हेलो कुछ दिनों पहले हमने क्राइम ब्रांच और थाना साहिबाबाद पुलिस ने गैंग पकड़ा, जिससे हमें उसके मॉडल सुप्रेंडी के बारे में पता चला कि कैसे ये लोग बुकीज जो होते हैं ऊपर वाले बुकीज के संपर्क में रहते हैं, बड़े बुकीज जो हैं। पहले हमें संशय था कि इनका कहाँ इनका नेटवर्क है, कैसे काम करते हैं। फिर दोबारा उस घटना में था कि इनका जो सीनियर बुकी है वो दिल्ली में लोकेटेड था। इस घटना में भी हमने थोड़ा और डीप में जाने की कोशिश करी, पता करने की कोशिश करी, जहाँ से हमने इनको एक ग्राम महाराजपुर पड़ता है थाना लिंक रोड में, वहाँ से हमने इनको गिरफ्तार किया। तो इनकी पूछताछ करने के बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इनका भी तार जो है मॉडस ऑपरेंडी इनका सिमिलर है, लाइन इन्होंने ली हुई है, सीनियर बुकी को ये लोग पेमेंट करते हैं, लॉस अगर होता है कोई बड़ा तो सीनियर बुकी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसी ऑपरेशन में एक बॉबी कपूर नाम का जो व्यक्ति है, ये दिल्ली वाले और सीनियर बुकी और इनका लिंक है, छठे नंबर वाला है, ये पैसे का पेमेंट लेने आया, गुर्गा है उसका, पैसे का पेमेंट उस समय लेने आया हुआ था जब हमने उनको पकड़ा था। वैसे तो ये कहीं पर फ्लैट्स फ्लैट्स वगैरह लेकर सब लोग ये नोएडा के एक ही गाँव के रहने वाले हैं, गौतम बुद्ध नगर के, एक व्यक्ति को छोड़ के, सौरखा गाँव सेक्टर 49 गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, यहाँ के रहने वाले हैं। तो कुछ दिनों इनके अनुसार कुछ दिनों पहले ही इन्होंने आईपीएल पर सट्टा लगाना शुरू किया था और अब तक ये बुकी जिसके संपर्क में है 50,000 रुपये तक का इनका पेमेंट कर चुके थे, इनकी लिमिट थी। जो उनको पेमेंट लेने आया था, उम्मीद कर रहे थे कि जो बुकी है एक्चुअल वो लेने आएगा, वो नहीं आया, पर उसने अपना गुर्गा भेजा बॉबी कपूर, तो इसको भी हमने पकड़ लिया है। इससे हम अच्छे से इंटरोगेशन करेंगे और उनके मोडस ऑपरेंडी का जो ऊपर के कनेक्शंस हैं उनको पता करने की कोशिश करेंगे, तो शीघ्र ही जो और बड़ी मछलियाँ हैं वो हमारे पकड़ में। इनमें से रवेश और रवि है जो इनका गैंग लीडर है, ये बीकॉम कर रहा है और बाकी सब उसी के गांव के मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है। बस यही था कि इनके अनुसार इन्होंने कुछ दिन पहले आईपीएल हुआ था, तो कुछ नया क्विक मनी के कमाने के उद्देश्य से इन्होंने ये धंधा